हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एक्सपर्ट वेल। माय नेम इज़ राहुल ठाकुर और आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें आप 2 मिनट में फ़ोटो बना सकते हैं, वो भी बिना फोटोशॉप के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पे एक फ़ोटो है हमारा। इस फोटो को आपको क्या करना होगा, पहले आपसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद आप जाएंगे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जाने के बाद फोटो आपका कुछ ऐसा इसका खुलेगा, उसके बाद में आप क्रॉप पर जाएंगे। क्रॉप पर जाने के बाद में आप इसे अच्छी तरह से जैसे भी चाहें उसे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद में यहाँ से फिर आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में फिर आप एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद में इसमें आप चाहेंगे फिर ब्राइटनेस करेंगे, जितना भी आप कलर चाहें दोस्तों। जैसे कि ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा कलर कर दिया है। इसके बाद इसे कंट्रोल एस करेंगे। एस करने के बाद ये फोटो सेव हो जाएगी। फिर आप करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद में फिर आप इस पर यहाँ खोलेंगे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड पर जाने के बाद इसे करेंगे आप यहाँ पर कंट्रोल वी। जब वी करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में फिर आप इसे फोटो छोटा करेंगे, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है दोस्तों, ये पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आप इसे कंट्रोल सी करेंगे दोबारा से, फिर आप इसे कंट्रोल पी करते चले जाएंगे दोस्तों, तो आपके इसमें फ़ोटो बन जाएंगे। इसके बाद में आप कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी करने के बाद में आप इसको जैसे चाहे वैसे इतने सारे फोटो आप जितने चाहें उसे निकाल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।